नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति से हमारा शरीर है, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी होती थी। चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, भोजन हो, कोई भी पदार्थ हो जिसे हम धारण करते थे, खाते पीते थे, जिन मुद्राओं में बैठ के, उन सब का आज विज्ञान भी उनको सही मान रहा है। आज हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं कि अगर खाना खाते वक्त आप ये सोचते हैं कि हाथ खराब हो जाएगा, चम्मच से खा लें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये उतना मज़ा भी नहीं देता है। भोजन करने में जो मज़ा हाथ से खाने में है वो चम्मच से खाने में बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि ये हाथ से भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है। चम्मच से खाना खाने के बजाय अगर आप हाथ से भोजन करते हो तो आपका मुंह नहीं जलता, क्योंकि चम्मच बताएगा नहीं कि कितना जल रहा है, कैसा है, लेकिन आपका हाथ आपकी जीवा को, पहले आपके मन को बता देगा कितना गर्म भोजन अभी आपको नहीं खाना है, क्योंकि चम्मच का तापमान खाने के अनुसार बदलता है और इसका हमें पता नहीं चलता है। जबकि खाना खाते वक्त हमें तापमान का आभास तुरंत हो जाता है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तब उंगलियां और हाथ के अंगूठे आपस में मिलने से जो मुद्रा बनती है उसके कारण शरीर में विशेष रूप से ऊर्जा पैदा होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। हाथ से खाना खाते समय हम हाथ धोने पर विशेष ध्यान देते हैं, जबकि चम्मच से खाना खाते वक्त हम रखा हुआ चम्मच प्रयोग कर लेते हैं, जिससे जीवाणुओं की उपस्थिति की संभावना अधिक बनी रहती है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन सही होता है, जबकि चम्मच से भोजन करने पर यह लाभ हमें नहीं मिल पाता। हाथ से भोजन करना स्पर्श चिकित्सा की समान है, इससे हमारे हाथ, मुंह, पेट और दिमाग में भी एक तरह का संबंध जुड़ जाता है। शरीर के आंतरिक संकेतों के जरिए ही खाना पचता है, इससे शरीर सुपोषित होता है। तो मित्रों, क्या आप भी आज से चम्मच से नहीं, आप हाथ से भोजन करेंगे, अपने सेहत का ख्याल रखेंगे? आपको भोजन करना है जो आपके तन मन को पवित्र कर दे, इसलिए आप सभी हाथ से भोजन करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।